Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. और आज एक आर्टिकल है डॉक्टर स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर का, जिसमें वो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रेलेवेंस की वो बात कर रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि उनके फंड्स को कंसर्व करके डेट रिडन कंट्रीज, श्रीलंका जैसे कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज को हेल्प करके और अपना जो एक्सपर्टाइज है, जो 70 साल से ये जो गेन कर रहे हैं, उसको किसी और तरीके से यूज़ करना है। ये उनका ओपिनियन है, मगर इस आर्टिकल में कुछ बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दूंगा। आपको बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट और डाटा को हाथ में रखे हुए आपको अपना ओपिनियन बताना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका ओपिनियन हो या मेरा ओपिनियन को उसमें बताना है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो हम देंगे उसको ध्यान में रखिएगा और अपना ओपिनियन आप डिराइव करना है। ये ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, प्रिलिमिनरी में भी कुछ ऑप्शंस दे के ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो जी, कहानी पे आते हैं। ये जो है, दो बंदों का नाम याद रखिएगा। एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सेक्रेटरी है, जिनका नाम है जैनेट येलन है, और वर्ल्ड बैंक का जो सेक्रेटरी है दिलीप सिंह है। देखो जी, ये बैंक जो है काफ़ी कंसर्वेटिव थे, किसमें, लेंडिंग में, क्योंकि इनको हमेशा चाहिए ट्रिपल ए रेटिंग्स। देखो जी, ट्रिपल ए रेटिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बैंक्स का, क्योंकि ये सब बैंक्स बिल्कुल रिस्कीएस्ट लेंडिंग भी कर सकते हैं। पता क्यों? रिस्कीएस्ट लेंडिंग करने के बाद भी अपना ट्रिपल ए रेटिंग मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक्स बैक्ड बाय द रिचेस्ट गवर्नमेंट्स हैं। और सिर्फ वो नहीं है, इनके बैंक्स में जितने भी प्रमोशंस है, कुछ भी है, इनके बजट्स है, ये सब कैसे डिसाइड किया जा सकता है? ये सब डिसाइड करते हैं इनके टोटल वॉल्यूम्स ऑफ मनी लेंट। इसलिए इतने ज़्यादा कंसर्वेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कह रहे हैं स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर। चलिए जी, अभी ये सब तो काफ़ी टाइम से पहले से, वर्ल्ड वार के बाद ये वर्ल्ड बैंक है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह क्रिएट किया गया, मगर आज की डेट में स्थिति कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्योंकि श्रीलंका देखिएगा, ये एक डेट क्लिफ में बैठा हुआ है। दिक्कत तो बाहर आ गया है, बाकी सारे, बहुत सारे कंट्रीज क्यू में लगे हुए हैं, पता नहीं कब कौन बर्स्टों के निकलेगा, मगर उसका कारण बहुत कुछ है। और वो कारण में ये नहीं है कि वो बड़ा कंसर्वेटिव थे अपने लेंडिंग में, ये ध्यान रखिएगा। पहले तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज की डेट में ये वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत ही है या नहीं। देखिए दोबारा, आज की डेट में क्वेश्चन ये उठता है, वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत है या नहीं, ये क्वेश्चन उठा रहे हैं स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर। और कुछ डाटा वो देना चाहते हैं। अगर आपका ये उनके ओपिनियन में सहमत नहीं है तो आप कहिएगा। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे ये सही है बोल देंगे, तब भी मार्क मिलेगा। अगर आप कहेंगे आप सहमत नहीं है तो भी आपको मार्क मिलेगा, क्योंकि वो देखेंगे कि आपका सही लाइन की थिंकिंग है या नहीं, सही डाटा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और जो टॉपिक की डिस्कशन हो रही है आपके पास नॉलेज है या नहीं, आप वेल रेड का पर्सन है या नहीं। इंग्लिश या हिंदी या तमिल से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तमिल में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, बंगाली में लिखिएगा, किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, आप टॉपिक को जानते हैं और सही तरीके से सोच पा रहे हैं क्या, ये देखते हैं आपके एग्जामिनर्स, चाहे वो इंटरव्यू हो या कुछ मेंस का क्वेश्चन पेपर जो करेक्ट कर रहे हो, या हर चीज़ में। नाउ इंडिया का आप देखेंगे, अभी भी फ्यू बिलियन डॉलर्स वर्ल्ड से हम ले रहे हैं, बट बहुत कम है। एक ज़माने में वर्ल्ड बैंक लोन्स पे हम डिपेंडेंट थे, मगर आजकल हमारे इंडिया वो इंडिया नहीं था जो 30-40 पहले था।
आज की डेट में एफडीआई देखेंगे 65 बिलियन डॉलर का एफडीआई है, उसके बाद देखेंगे 80 बिलियन डॉलर तो कमर्शियल लोन्स पे आ रहा, उसके ऊपर आप देखेंगे 87 बिलियन डॉलर तो रेमिटेंसेस। आप देखेंगे ये तीन देखेंगे कम से कम 220-250 बिलियन के आसपास हो जाता भाई, ये सिर्फ तीन चीज़ें। आप 1996 हिस्ट्री इतिहास के पेज उठा के देखेंगे तो उस टाइम इंडिया का टोटल जीडीपी 500 बिलियन डॉलर था, अभी ये तीनों चीज़ में आपको 250 बिलियन आ रहा है, काफ़ी तरक्की हुआ है हमारे देश को। ये वर्ल्ड बैंक इंडिया की हिसाब से आप देखेंगे इतना बड़ी बढ़िया कंट्री है, छोटे मोटे कंट्रीज में और ज़्यादा पता लग जाएगा कि आजकल कोई रेलेवेंस ही नहीं है वर्ल्ड बैंक का। इसका कारण आप देखेंगे कि जब वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कर रहा हूँ, जब 1945 में आपको सबको पता है पर्ल हार्बर है, हिरोशिमा, नागासाकी, जर्मनी, एलिस पावर, एक्सिस पावर, थोड़ा बहुत हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, तो हिरोशिमा में बम गिराते ही 1945 में सितंबर महीने आई थिंक सो वार ख़त्म हो चुका था। तब आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में कैपिटल मार्केट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो दोबारा ये जो फाइनेंस में जो गैप था तो उस गैप को फिल करने का चक्कर में और एक नई दुनिया बनाने का चक्कर में आया था वर्ल्ड बैंक। उस टाइम तो रेलेवेंट था क्योंकि ऐसे टाइम पे इस तरह का एक बैंक की ज़रूरत है जो अपना लीडरशिप ले सके और सब कंट्रीज़ को आगे ले जा सके। तो वार में जो डैमेजेस हुआ है उसका रिकंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव से शुरू हुआ और रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद क्या है, डेवलपमेंट है। पहले खाने का खाना मिले वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद धीरे धीरे लग्जरी साइकिल चाहिए, मोटर बाइक चाहिए, फिर कार चाहिए, कार में एसी चाहिए, उसमें एयरबैग भी। ये एकदम आप नहीं कहेंगे मुझे कार में एयरबैग चाहिए, पहले तो खाना पीना रहना, मैस्लो कहते हैं ना 5 लेवल्स ऑफ पिरामिड, बेसिक नीड्स, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो पहले तो प्रायोरिटी कंस्ट्रक्शन था, उसके बाद डेवलपमेंट का था। ऐसे ही इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी शुरू किया गया था, किस लिए, टू मैनेज द एक्सचेंज रेट्स। कौन तय करता है कि आज की डेट में 77 रुपये से एक डॉलर, कोई इस तरह का एक एजेंसी है, एक्सेप्टेबल एजेंसी है वर्ल्ड लेवल पे होना चाहिए जो सभी कंट्रीज़ का बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, डिमांड सप्लाई ऑफ करेंसी है, ये सबको मन में रखते हुए एक्सचेंज रेट फिक्स करे जो पूरा दुनिया में सब मानेंगे और बिजनेस ट्रांजैक्शंस चलता रहे। और सिर्फ ये नहीं है, वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, अगर कोई भी कंगाल हो गए तो किसके पास जाते, भगवान के पास जाते, सब कुछ एफर्ट कर दिया है कोई काम नहीं हो रहा तो भगवान के पास। ऐसे ही कोई कंट्री कंगाल हो गया, उनके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो किसके पास जाएगा, IMF के पास जाएगा, इसलिए उनको कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स को तो ये पता ही है। तो ये सब शुरू हुआ है उस टाइम की बात है, और उस टाइम की बात देखेंगे धीरे 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 पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन भी हो गया है, डेवलपमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया है। तो 25 साल के बाद 1970 में कैपिटल मार्केट तो रिकवर हो गया भाई, फाइनेंस मार्केट, तभी इनको कुछ काम तो चाहिए चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, हम थोड़ा सा पावर्टी को कम कर देंगे, थोड़ा सा सोशल सेक्टर्स में घुस जाएंगे, हेल्थ की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, उस ट्रैक पे ये चले गए हैं। और साथ साथ थोड़ा सा सॉफ्ट लोन विंडो है, गरीब देश है जिनको सॉफ्ट लोन, सॉफ्ट लोन विंडो वो चीज़ है कम से कम इंटरेस्ट पे इनको लोन दे ब्याज में, ताकि ये कंट्रीज भी थोड़ा सा ऊपर आ जाए और ये जो इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ जो वर्ल्ड लेवल में हो रहा उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। वो भी थोड़ा बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद 1990 काफ़ी सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को कैपिटलिस्ट में ट्रांसिशन होने में भी खर्च किया इन्होंने, मगर आज की डेट में कहाँ कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट, चाइना जैसे कंट्री देखेंगे वो अपना अलग रास्ता पे ही चल रहे हैं, उनका आइडियोलॉजी तो अभी भी है, फिर भी आज की डेट में कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट कंट्रीज
सब कंट्री अपना अपना इकोनॉमिक्स को देखते हैं, अपना जीडीपी है। ये ब्रॉड वर्ल्ड इंटरनेट आ गया है, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड आ गया, सबको अपना धंधा चाहिए, पैसा चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांग रहे, तो सभी कंट्रीज अपना दूसरे ट्रैक पे चले गए हैं। तो आज की डेट में 2020 में ये सब वर्ल्ड बैंक सब इररिलेवेंट हो चुके हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं स्वामीनाथन अंकलेश्वरा अय्यर बोल रहे हैं। उस जमाने में ठीक है, सेविंग्स तो था ही नहीं, और जिसके पास बहुत ही बढ़िया क्रेडिट वर्दीनेस था वही लोन पा सकता था। मगर 2000 के बाद आप देखेंगे सेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है, मनी का कोई शॉर्टेज नहीं है। और उस भाग में आप देखेंगे चाइना एक तरह का मैसिव कंट्रीब्यूटर, सेविंग्स ग्लट कहते हैं, सेविंग्स कर करके इसको कहते हैं ग्लोबल सेविंग ग्लट। जो शॉर्टेज था, शॉर्टेज खत्म होके एक तरह का ग्लोबल सेविंग ग्लट हो गया है। इस तरह के मनी सप्लाई इतना ज़्यादा हो जाता है, इंटरेस्ट को कम कराता है। कभी कभी आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट तो 1%, 0.5%, 0% तक पहुंच गया भाई। तो इसलिए ऐसे कंट्रीज़ में जहां इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम हो चुका है, वो करेंगे क्या, थोड़ा सा रिस्कियर एसेट्स ढूंढेंगे। एसेट क्लास में जो रिस्की एसेट क्लास है वो थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए आप गवर्नमेंट बॉन्ड में डालेंगे, ज़्यादा सेफ है, मगर इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा। मगर उस पैसे को, जैसे एक बंदा है जिसके पास कोई क्रेडिट लिमिट नहीं है, इनकम नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर आपको पता ये बंदा सही है, ये बंदा वापस कर देगा। हो सकता है उसके पास डॉक्यूमेंट ना हो, क्रेडिट वर्दीनेस की बात कर रहा हूँ, तो रिस्कियर यील्ड्स में जाना शुरू कर दिया भाई। देखिए आज की डेट में चाइना एक ज़माने में वर्ल्ड बैंक में पैसा लेता था 1980, जब चाइना अपने इम्प्रूवमेंट स्टेज में था, लिबरलाइजेशन डेवलपमेंट स्टेज में था, इतना पैसा लेता रहा। मगर आज की डेट में इतना दे रहा है, मतलब बोरोवर से लेंडर डोनर बन गया। आज की डेट में चाइना का लेंडिंग आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक और बाकी वेस्टर्न डोनर्स जितने भी हैं उससे भी ज़्यादा चाइना लेंड कर रहा। और सिर्फ वो नहीं है, काफ़ी सारे प्राइवेट कैपिटल चैनल्स हैं, और वो भी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के थ्रू दिए जा रहे हैं डूबियस कंट्रीज़ को। काफ़ी कुछ तरीके हैं, एसेट क्लास लिवरेज्ड स्कीम्स है, क्रिप्टो करेंसी वो भी एक तरह का लिवरेज्ड स्कीम है भाई, उसमें तो अंडरलाइंग ही नहीं है कुछ भी। अगर कैपिटल फ्लोस की बात करेंगे, यूनिकॉर्न्स जो पेपर में आता जाता है, वो सब पैसा कहाँ घुस रहा, यूनिकॉर्न्स में घुस रहा भाई। इंडिया में आज की डेट में 100 यूनिकॉर्न है, चाइना में आप देखेंगे चाइना में भी यूनिकॉर्न्स है, 1000 यूनिकॉर्न बन गया वहाँ पे। जैसे ये पेटीएम, जोमेटो, ये सब इस तरह के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रिस्की एरियाज में जा रहे हैं। क्या ज़रूरत है कि वर्ल्ड बैंक ऐसे रिस्की एरियाज में जाएं? मैं स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर ये सोचते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जितना भी पैसा है वो अपने कैश को कंसर्व करें, और उस कैश को क्या करना है, इस तरह के कंट्रीज है जैसे श्रीलंका है, बिल्कुल कंगाल हो गया है, अपने डेट ऑब्लिगेशंस को वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कंट्रीज़ को हेल्प करें। क्योंकि ये सिर्फ टेम्पररी फेस है, कंगाल का मतलब ये नहीं है कि श्रीलंका डूब जाएगा। उनके पास टूरिज्म है, रिसोर्सेस है, मिनरल रिसोर्सेस है, टूरिज्म है, सब कुछ है वहाँ पे। अरे थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से इररिस्पॉन्सिबिलिटी था, अपने फाइनेंस को ठीक ठाक मैनेज नहीं कर पाए, तो ये टेम्पररी ब्लिप है। तो इस तरह के कंट्रीज़ को रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करेंगे, और ज़्यादा पैसा आ सकता है और पैसा रिकवर किया जा सकता है। और ये सिर्फ श्रीलंका की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, श्रीलंका जैसे बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ है जिनका नाम मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा हूँ, अपना इंटरेस्ट इंटरनेट चेक करेंगे आपको अपने आप पता लग जाएगा ऐसा कौन सा कंट्री लाइन में खड़े। ये तो अपना ही नेबर है, बाद में बताता हूँ क्या भाई। ये सब बैंक्स है, ये सब लेंडर्स नहीं है, इनके पास
काफी एक्सपर्टाइज बन गया कि इतने 70 साल से ये काम कर रहे हैं, कभी इस कंट्री में कभी उस देश में कर करके इनका रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपर्टाइज। अगर कोई कंट्री कंगाल हो गया या वार में डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे यूक्रेन जैसा कंट्रीज, इनके पास एक्सपीरियंस है इतने साले वर्षों से, घुसना कहाँ कहाँ, पैसा डालना है कहाँ पे, सड़क डाले कहाँ पे, ट्रेन लगाए, इनको पता है। तो धीरे 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 ये डेवलपमेंट पाथ पे ये ले आएंगे और ये एक्सपर्टाइज उनमें है। आप देखेंगे चाइना भी छोटा मोटा पैसा लेता रहता है, पता क्यों? पैसा के लिए नहीं है, चाइना के पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है। इनफैक्ट चाइना सबको दे रहा है फिर भी ये कभी कभी पैसा लेता है, वो पैसा के लिए नहीं है, उनके एक्सपर्टाइज के लिए है। इसलिए इनका ओपिनियन है, स्वामीनाथन साहब का ये ओपिनियन है कि वो अपने कंसल्टेंट का काम करें और लैंडिंग में ज़्यादा फोकस ना करें। ओके जी, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, इट्स स्लाइटली कॉम्प्लेक्स बट अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल एंड यू कैन यूज सम ऑफ दीज वीडियोज इन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक। एंड दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। बाय बाय।